बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम मंठार न्यूज़ के नादरीन सामिन, मैं हूं आपका मेज़बान दिलबर हुसैन और आप देख रहे हैं मंठार न्यूज़। मैं इस वक्त मौजूद हूं दही मरकज़ सेहत बंगला मंठार में, जहां पर सीनियर क्लर्क रिजवान रशीद के खिलाफ जो है लेडीज़ स्टाफ जो है एहतजाज कर रही हैं। आइए उनसे जानते हैं कि उनके एहतजाज का मकसद क्या है। रिजवान सीनियर क्लर्क रिजवान रशीद के खिलाफ, क्योंकि वो हमें हरासा करता रहा, अपने कमरे में बुला के हमें बार बार अपने कमरे में बुलाता था, हमें चाय का कहता था, और उसने मेरे मोबाइल का डाटा और एसएमएस का डाटा निकलवा के मुझे बाहर के लोगों के ज़रिए ब्लैकमेल करवाया। और उसके खिलाफ़ मैंने डीसीओ सीओ डीपीओ साहब को दरख्वास्त दी थी, लेकिन कोई एक्शन नहीं हुआ। उसने सियासी असरात की वजह से अपने मतलब हर जगह से वो बाइज्जत बरी हो गए, लेकिन हम ऐसे बंदे के साथ ड्यूटी नहीं करना चाहते। हम वैसे रिजवान के साथ काम नहीं करना चाहते। वो हर वक्त जब भी इधर काम करता है हमें डिग्रेड करता है, बार बार जितनी भी हम स्टाफे हैं बार बार कमरे में बुलाता है, बदतमीजी करता है, हम उसके साथ काम नहीं कर सकते। असल मसला क्या हुआ उसके साथ? बस तंग करना, डिग्रेड करना। जब हम वार्ड में काम करते हैं पीछे से तस्वीरें बनाता है, कभी कहता है दुपट्टा आप ऐसे ना लें, वो हमें अच्छा नहीं लगता। जब सीओ आए कोई आए तो कहता है मेरे साथ विजिट कराओ। जब हम कभी जब भी वार्ड में हम ड्रिपें लगाते हैं या पेशेंट को देखते हैं तो फिर आके पीछे से तस्वीरें बनाना उसका मामूल है, और फिर उसके बावजूद बार बार कमरे में बुला के ये ले लें वो ले लें, कभी चीज़ नहीं देता, कभी कहता बैठ जाएं, ऐसे उसके काम है। हम नहीं सॉरी, हम उसके साथ काम नहीं कर सकते। यहाँ पे रिजवान जो क्लर्क है उससे रिलेटेड है ये सारा कुछ। वो दोबारा यहाँ पे ऑर्डर्स लेके आया, लेकिन यहाँ का जो हमारा अमला है जो फीमेल स्टाफ है उस पर काफ़ी ज़्यादा हरासमेंट के एलिगेशंस हैं उसके ऊपर, जो कि प्रूव भी हो चुके हैं पहले। तो इसलिए जो फीमेल स्टाफ है उसने इनकार कर दिया है कि हम जो है उसके साथ यहाँ पे काम नहीं कर सकते, और जो वर्क प्लेस है वो टॉक्सिक नहीं होनी चाहिए, सबके लिए अच्छा माहौल होना चाहिए काम करने के लिए। तो इसलिए हमारी जो है ना अपील है सीईओ साहब से और डीसी साहब से कि उसको जो है ना वापस वो बुलाएं और इस ऑर्डर्स को कैंसिल करें। शुक्रिया जी। रिजवान रशीद जो सीनियर क्लर्क है उसको क्लर्की तो करनी नहीं आती, लेकिन उसको दूसरों की टांगें ज़रूर अच्छी तरह से खींचनी आती हैं, ठीक है। इस वो पहले उसने हमारी एक स्टाफ के साथ बहुत बुरा सलूक किया है, उसकी ज़ाती ज़िंदगी उसने बर्बाद की है, तो हम नहीं चाहते कि वो दोबारा यहाँ पे वापस आए। इस तरह से वो और शेर हो जाएगा, वो कहेगा मेरा तो कोई नहीं कुछ बिगाड़ सकता, मेरा तो सियासी असर और रसूख है। तो इस तरह का बंदा जो है वो वर्कप्लेस पे नहीं होना चाहिए। वर्कप्लेस जो है वो हमारा कंफर्टेबल रहना चाहिए, हमारी ये रिक्वेस्ट है, और हम आपके थ्रू ही हमारी रिक्वेस्ट जो है वो आगे पहुंचाना चाहते हैं, ताकि जो है वो हम लोग मतलब आराम से इजीली यहाँ पे काम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आरएससी मंठार में स्टाफ ने एक एहतजाज किया है, एहतजाज किया है कि रिजवान क्लर्क जो पहले यहाँ पर था फिर ट्रांसफ़र हुआ, स्टाफ के साथ क्लैश था उसका, इसकी वजह से हुआ है वो। तो आज स्टाफ सारा यहाँ का ख़ास तौर पर फीमेल स्टाफ जो है वो एहतजाज कर रहा है कि ये क्लर्क जो है हम इसके साथ यहाँ काम नहीं कर सकते, ये इसका बिहेवियर हमारे साथ अच्छा नहीं है। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है सीईओ साहब से कि इस मसले को सेटल करवाएं हमारे स्टाफ के साथ, उसके बाद ये इसको आना चाहिए। स्टाफ मुतमईन नहीं है, जो स्टाफ काम नहीं करेगा तो यहाँ पर जो है मरीज़ों को मुश्किलात पेश आएंगी।